भाई सब महीने ही थोड़ा है, किसी को बोलना मत नहीं तो। 3, 4, 5 और ये पहुंच गए पांचवें फ्लोर के ऊपर, ठीक पीछे है पतंग बीच। सब नाम सुनते हैं ना मुंह में पानी आ जाता है। जैसे और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में इंडियन लोग भी है। क्या चार्ज ले, हम घर में भी तो सबको मेहमानों को खाना खिलाते हैं, कस्टमर हमारे लिए भगवान है, हम हिंदू हैं। अच्छा नमस्कार आदाब और सत श्री अकाल, वेलकम अगेन। ये देखिए लिखा है वेलकम अगेन। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरा पूरा पूरा हॉस्टल कैसा है। तो आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ सब जूते रखने हैं, कोई भी जूता आपको ऊपर हॉस्टल नहीं लेके जाना है, सभी जूते इस तरह से आपको लाइन में रखने हैं यहाँ पे। ये देखिए ये रखा मैंने मेरा जूता। जब भी आप बाहर से आओगे तो यहाँ पे आपको पाए धोने की सुविधा मिलेगी, यहाँ से आपको पाँव अच्छी तरह से धोने हैं। पाँव को अगर धूल मिट्टी तो है नहीं, अगर आप बीच से आए तो बीच वाली रेत थोड़ी बहुत यहाँ पे लग सकती है। और एक थोड़ी सीक्रेट वाली बात बता दूँ, ये जो टूटा है ना ये भाई साहब महीने ही तोड़ा है, किसी को बोलना मत नहीं तो फाइन लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ रात पे खड़ा रह के ना मेरे पाँव धो रहा था, वो अचानक कट करके टूट गिरा। अगर मालूम पड़ता कि मैंने तोड़ा है तो शायद मुझे फाइन लगेगा, लेकिन मैं थोड़ी बताने वाला हूँ, आप भी मत बताना। अभी आ गया हूँ अपने हॉस्टल के मेन फ्रंट गेट पर, बराबर यहाँ पे है अपना कार्ड सिस्टम चलता है। ये देखिए ये लगा दिया कार्ड यहीं पे। हेलो, अभी आप पहुँचा हूँ मैं मेरे हॉस्टल। पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ जेंट्स टॉयलेट है, ये देखिए ये जेंट्स टॉयलेट और वॉशरूम दोनों एक साथ है, वहाँ लेडीज़ है। मैं भी गलती से एक दो बार वहाँ पे चला गया था, फिर वापस आ गया। यहाँ पे दो मशीनें लगी हुई है, ये वॉशर और ड्राई दोनों एक साथ हो जाता है, इसमें भी हो जाता है वॉशर और ड्राई, लेकिन इस मशीन में आपको पैसे डालने पड़ते हैं। ये देखिए यहाँ से कॉइन डालोगे उसके बाद ही आपकी मशीन चलेगी। ये मशीन के लिए ए बॉक्स लगा है इधर, ये पैसे जितने डालोगे उतना और जितना टाइम सेट करोगे उतने टाइम तक ये मशीन चलती रहेगी। मैं अभी फ़िलहाल दो नंबर पे फ्लोर पे हूँ, ये 5 फ्लोर तक बिल्डिंग है, ये अंदर का कुछ ऐसा गली आ रहा है, आपको थोड़ा लास्ट तक लेके जाता हूँ। ये है मेरा 207F और ये सीधा अगर हम ऐसे इस तरह से आगे चले जाएंगे तो और यहाँ ऐसे इस कदर रूम है, यहाँ एक गैलरी है, यहाँ भी लोग कुछ कपड़े सुखा रहे हैं। हमारी वाली गैलरी बंद थी इसकी वजह से मैं कपड़े नहीं सुखा पा रहा था। अभी जिस तरह से मैंने नीचे वहाँ पे जो कार्ड लगा के दरवाज़ा खोला था, बिल्कुल उसी की से उसी कार्ड से ये वाला भी दरवाज़ा खुलने वाला है, आप देखिएगा। ये देखिए खुल गया, अब ऐसे करके खोलना है। ये आ गया मैं अभी अंदर, अब यहाँ पे सब बैग वगैरह डाल देता हूँ। तो अभी बैग में ऐसा कुछ है नहीं, जो भी थोड़ा बहुत सामान डाल देता हूँ और अभी ऊपर 5वें माले तक आपको लेके जाता हूँ, वहाँ स्विमिंग पूल में नहाना है। अब जाएंगे सीधा 5वें फ्लोर पे और स्विमिंग पूल में नहाएंगे। लेट्स गो, 3, 4, 5 और ये पहुंच गए 5वें फ्लोर के ऊपर। ये रहा अपना 5वां फ्लोर, यहाँ पे किचन भी है, जो भी आपको कुछ खाना पकाना वकाना हो तो आप पका सकते हैं, यहाँ पे फ्रीज है। और ये है वेटिंग रूम, मतलब जो लोग जल्दी आते हैं यहाँ सुबह सुबह, क्योंकि 2 बजे से पहले किसी को दिया नहीं जाता है चेक इन, इसकी वजह से जो लोग भी आते हैं यहाँ पे आराम से बैठ के अपना काम कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, यहाँ वॉशरूम है, चाहे तो इसके ऊपर लेट कर थोड़ा सा आराम भी फरमा सकते हैं। यहाँ बड़ा सा एक फ्लैट टीवी है, सब कुछ बढ़िया से मेंटेन किया हुआ है। अभी हम दरवाज़ा खोल के जाते हैं स्विमिंग पूल की तरफ,
ये आ गए हम बाहर। कल ये पूरा गीला 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 मौसम था सब, आज बहुत बढ़िया है यहाँ पे। यहाँ पे भी वॉशरूम की एकदम अच्छी सी फैसिलिटी है। ये आ गए देखो यहीं पे, आप उतरेंगे पानी में और एकदम मस्त मज़े करेंगे। ये रहा कुछ स्विमिंग पूल, अब जाएंगे इसके अंदर। ओहो पानी ठंडा है लेकिन मज़ा आएगा। ओहो ठीक पीछे है पतोंग बीच, फुकेट का पतोंग बीच, और यहाँ बहुत सारे लोग मस्ती कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ मस्ती यहाँ स्विमिंग पूल में। आते हो थाईलैंड आते हो तो इस कदर के होटल या हॉस्टल बुक कर लेना जहाँ पे ऐसी स्विमिंग करने की सुविधा हो, स्विमिंग पूल हो, क्योंकि इस तरह का मज़ा लेने में यार बहुत मज़ा आता है। आखिर हम पैसे पे करते हैं रोज़ के 800 रुपये, तो मज़ा क्यों ना उठाया जाए। कड़ी धूप है यार आज, एकदम मस्त धूप है, लग रहा है ऐसे कि जैसे मैं जन्नत में। ये देखिए जैसे मैं इसके अंदर फील कर रहा हूँ ये अपने आप चालू हो गया, इसका मतलब ये कि ये इसमें सेंसर लगे हुए हैं। कहीं भी घूमने के लिए गए हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि एक दिन ऐसा रखना जिस दिन आपको कुछ करना नहीं है, बस खाली मज़े करना है आपके मन के मुताबिक, मतलब एकदम फ्री होना चाहिए। अगर आप फ्री हो रहोगे ना, अगर आप फ्री रहोगे तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अलग अलग आइडियाज़ और अलग अलग विचार अपने दिमाग में आते हैं और उन विचारों को हम लोग अच्छी तरह से अमल में ला सकते हैं। देखिए ना कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। थाईलैंड प्रसिद्ध है मसाज के लिए, मगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा फ्री मसाज करा रहा है, देखो। आ यार ओ माय गॉड ओहो जबरदस्त। अच्छा हाँ इतना पानी प्रेशर से आ रहा है कि पूछो मत। मेरा पीठ का अच्छी तरह से मसाज हो रहा है। ओ माय गॉड। चलो भाई स्विमिंग पूल में तो नहाना हो गया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और खाने की तलाश में मैं निकल पड़ा किसी इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ, और जल्द ही मुझे एक ऐसा रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम था गांधी रेस्टोरेंट। इधर चाय और नाश्ता के लिए किधर अच्छा है? थोड़ा वेट करिए, अभी आ रहे हैं, इधर मिल जाएगा। अभी कितना 40 हो गया और 15 मिनट में आ जाएंगे। 15 मिनट में आ जाएंगे? हाँ वो कुर्सी तो बैठ गई हो जाएगा। ठीक है जी, कहाँ से है भाई? हाँ ये तो गोरखपुर से है। गोरखपुर से है क्या? हाँ। और आप? मैं वर्मा से। अच्छा म्यांमार से? म्यांमार। अच्छी हिंदी बोल लेते हैं? हाँ तो म्यांमार में तो हिंदी है ना। हाँ म्यांमार बहुत है ना, नेपाल में सब हिंदी चलता है। नहीं इस होटल के मालिक है गोरखपुर इंडिया से, और यहाँ काम कर रहे हैं म्यांमार बर्मा से। इंडिया और बर्मा के लोग यहाँ एक साथ काम कर रहे हैं, और यहाँ अक्सर यही देखने को मिलता है। कई कई मैंने ऐसा भी देखा है कि इंडियन रेस्टोरेंट में बांग्लादेशी लोग काम कर रहे हैं, और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में इंडियन लोग भी हैं, नेपाली है जो इंडियन लोगों के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब विदेश में अपने लोग मिल जाते हैं। तो ये कुछ इनका मेनू लिखा है, देखिए गांधी रेस्टोरेंट बटर चिकन, ये सब नाम सुनते हैं ना मुंह में पानी आ जाता है वैसे। बट बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत होटल है। यहाँ वाईफाई फ्री है और उसका पासवर्ड भी वहाँ लिखा हुआ है, मतलब जो भी बंदा यहाँ पे आएगा आराम से बैठ के खाना भी खा सकेगा
अपने इंटरनेट पे काम भी कर सकेगा। हालांकि अभी सुबह के 11 बज चुके हैं, इसकी वजह से भीड़ भाड़ कम है। रात के टाइम यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ हो जाती है भाई साहब, और यहाँ आके ऐसा लगता है कि हमेशा की तरह जैसे अपने इंडिया के किसी होटल में हम लोग आ चुके हैं। ये आ गया अपना पराठा और ये है हरी चटनी। इस वक्त मैं पतंग बीच के होटल में हूँ, उसका नाम है गांधी रेस्टोरेंट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि मैंने पराठा खाया, चाय पी ली, बिल्कुल इंडियन टेस्ट था, बहुत बढ़िया लगा। मेरे साथ इस रेस्टोरेंट के मालिक है, ज़रा आप उनसे बात करते कि यहाँ जो भी इंडियन टूरिस्ट आए वो इस रेस्टोरेंट में क्यों आए, ज़रा बता देंगे आपको। हमारा रेस्टोरेंट यहाँ 7-8 साल पुराना रेस्टोरेंट है और यहाँ पे टोटली इंडियन के मतलब इंडियन टेस्ट वाला ही मिलेगा। yes, yes. घर के जैसे आप कम तेल मसाला खाएं या कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट है उनके लिए अलग, बच्चों के लिए दाल खिचड़ी अलग, जैसा चटपटा खाएं जैसे कपल आते हैं उनके लिए अलग है, सारी चीज़ें अलग है, डिफरेंट है। और ये हमारा गांधी इंडियन 2 है, गांधी इंडियन 1 हमारा दूसरे जगह है, वो प्योर वेजिटेरियन, अभी ओपनिंग करनी बाकी है उसकी। और मतलब वो अपना ब्रांच नंबर 2 हो जाएगा? नहीं, वो 1 है, 1 है, ये 2 है, 2 है। हाँ जी, इसमें नॉन वेज भी हमने रखा हुआ है, चिकन हुआ, लैम हुआ, फिश हुआ, प्राउन हुआ, सिर्फ इंडियन, थाई फूड नहीं है। और क्या कहते हैं, ये जो हमारा रेस्टोरेंट है डॉल्फिन चौक पे बिल्कुल करीब में है। हाँ, और हम होटल डिलीवरी भी करते हैं, फ्री ऑफ डिलीवरी है, कोई चार्ज नहीं उसके लिए। ये बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे इसके लिए क्या चार्ज लें, हम घर में भी तो सबको मेहमानों को खाना खिलाते हैं, कस्टमर हमारे लिए भगवान है, हम हिंदू हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पे बांग्ला स्ट्रीट है, बांग्ला स्ट्रीट से भी भैया जी थे गोरखपुर से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे इंसान थे। कुछ निजी और पर्सनल बातें उन्होंने मेरे साथ शेयर की, पता नहीं उन्हें क्या लगा, मेरे साथ बात करते करते थोड़े से भावुक हो उठे और उन्होंने कुछ उनकी पर्सनल बातें मुझे बताई। परेशानियाँ हर किसी के ज़िंदगी में चलती है यार, किसी के ज़िंदगी में नहीं है, मेरी है, आपके ज़िंदगी में है, सबकी ज़िंदगी में परेशानियाँ चलती हैं।